लाहौर की मकामी अदालत ने जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नजीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली और इन्हें 1,00,000 रुपए के मचलोकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। नजीर चौहान के खिलाफ वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नजीर चौहान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और इस्तदा की कि मुलजिम रुकन पंजाब असम्बली को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नजीर चौहान की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत की और वकील ने बताया कि नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमे की दफात काबिले जमानत है। अदालत ने नजीर चौहान को जमानत रिहा करने का हुक्म दे दिया और करार दिया कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में दर्ज दफात काबिले जमानत है। अदालत ने अपने फैसले में बावर कराया कि अगर मुलजिम नजीर चौहान अदालत में इत्मीनान के मुताबिक जमानती मचलके दाखिल नहीं कराते तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे पर मजीद कार्रवाई 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी।